लेट्स फाइंड जॉब। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड जॉब में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पता है कि MCBU यूनिवर्सिटी में VA फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का पेपर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जानेंगे, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जो पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन है उसकी वीडियो अपने चैनल पर डल चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही फाउंडेशन की तीनों हिंदी, अंग्रेजी और उद्यमिता विकास के जो आपके सब्जेक्ट हैं सॉल्यूशन हैं उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर डल चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर। तो दोस्तों पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले इसमें आपका पहला नंबर का विकल्प है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का विकसित अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों नई जनसंख्या नीति कब लागू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का दोस्तों, फरवरी 2020। ओके दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जुलाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का 24 जुलाई। ओके दोस्तों अब है आपका विकल्प का चौथा क्वेश्चन है जन्म दर ऊंची होने के कारण, तो दोस्तों कृषि व्यवसाय है, ग्रामों की प्रधानता, शिक्षा का अभाव, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी ये तीनों इसके सहित आते हैं, जन्म दर ऊंची होने के कारण है ये सब, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, उपरोक्त सभी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विकल्प का पांचवा भूमि सुधार का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी इसके डी नंबर का। अब जानते हैं दोस्तों अपन लघु उत्तरीय और द्विउत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो पहले लघु उत्तरीय है दोस्तों, मैं आपको आंसर दिखाते जा रहा हूँ और बता दूंगा कि ये आंसर जो आप देखेंगे वो किस प्रश्न क्रमांक का उत्तर है, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसका फॉर्थ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों ये है प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर, भूमि का अर्थ आपको अर्थ बताना है, तो ये आप इसका फॉर्थ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो इसका भी आप फॉर्थ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है इसके आगे आपको ये आपको भूमि की परिभाषा देनी है प्रोफेसर स्मिथ एन पेटरसन के अनुसार ये है, तो इसका भी आप फॉर्थ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक तीन। तो प्रश्न क्रमांक तीन पूछ रहा है आपको हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है, तो ये आप इसका फॉर्म स्क्रीनशॉट लीजिए। हरित क्रांति कहाँ से कृषि उत्पादन में उस क्षेत्र की तीव्र से जो अधिक उपज देने वाले बीजों रासायनिक उर्वरक की नई तकनीकों के उपयोग के परिणामस्वरूप हुई है, इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादनता में काफ़ी वृद्धि हुई थी, ये आपका प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर है, आप इसका फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों ये उत्तर आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक चार की ओर। प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर ये है दोस्तों, कुटीर एवं लघु एवं कुटीर उद्योग वाला किया है मैंने, तो आप इसका फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आंसर की उत्तर है आपका प्रश्न क्रमांक पाँच का आंसर, तो ये है प्रश्न क्रमांक पाँच का आंसर, तो आप इसका फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें आपको छः क्वेश्चन हैं जो लघु उत्तरीय के, उसमें से दोस्तों आपको ओनली पाँच करने हैं, तो मैंने आपको पाँच बता दिए, लगातार मैंने पाँच बता दिए, छठवां छोड़ रहा हूँ, दूसरे आपको छः में से पाँच करने हैं, तो पाँच मैंने आपको बता दिए, तो आप ये आराम से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक सात। प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर ये है भारत में खनन उद्योग के बारे में आपको बताना है इसमें, तो ये इसका आंसर, तो आप इसका फॉर्म स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर है, इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसका भी फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो इसका भी आप फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप दोस्तों शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखें, आप अपने हिसाब से भी जरूर लिख लीजिए ऐसे मेंटेन करके जितनी शब्द सीमा पूछी गई है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो इसका भी आप फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक आठ का उत्तर, जिसमें दोस्तों आपको बताना है विपणन के बारे में, तो कृषि विपणन का उत्तर है ये, तो आप इसका फॉर्म स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो इसका भी आप फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो इसका भी आप फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो इसका भी आप फॉर्म स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है पॉइंट बाई पॉइंट, तो आप इसका भी पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको ये दूसरा पॉइंट लिखना है, तो इसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर अब लगातार आप जिस प्रकार देखते जा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डलते जा रहे हैं, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जिस सब्जेक्ट की सॉल्यूशन की डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है, प्रश्न क्रमांक 8। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर की ओर। ये है प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बताना है इसमें। तो ये है इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 9 का, तो आप इसका पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। इसके लिखने के बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, प्रश्न क्रमांक 9। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो 10 प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अथवा वाला दिया है, तो ये है इसका आंसर, तो आप इसका पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। ये है, आप इसका पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो उसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो उसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो उसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। ये है, तो उसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11 की उत्तर की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ये है, तो आप इसका पार्ट इंश्योर ले लीजिए। कई सरकारी अनुमान के यहाँ से लेकर आपको लिखना है। उसके बाद ये है, तो इसका भी आप पार्ट इंश्योर लेते चलिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी समस्या जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का रिप्लाई दोस्तों देने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो आप इसका भी पार्ट इंश्योर ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका लिखना है, लेट्स फाइंड जॉब दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन करता है। इसके आगे आपको ये लिखना है, तो इसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, तो इसका भी आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके आगे आपको ये लिखना है, तो इसके आप पार्ट इंश्योर ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का पेपर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जाना है, और पेपर जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स का है उसका सॉल्यूशन अपने चैनल पर डल चुका है, उसका भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो तीनों विषय हैं आपके, हिंदी अंग्रेजी उद्यमिता विकास, उसके भी तीनों सॉल्यूशन डल चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।